दोस्तों, आपके मोबाइल फोन में एक ऐसा कमाल की सेटिंग है ना, अगर उस सेटिंग को अगर आप चालू कर देते हैं तो मान लीजिए अगर आपके घर पे कोई रिश्तेदार आया है और आपका मोबाइल फोन मांगता है, चाहे आपका दोस्त आपका मोबाइल फोन मांगता है, तो अगर आप वो मोबाइल फोन दे देते हैं उस सेटिंग को चालू करने के बाद, तो जो भी आपके फोन में गैलरी में वीडियो फोटो होगा, चाहे आपने अपने मोबाइल फोन में जो भी ऐप डाउनलोड किया होगा, वो दिखाई ही नहीं देगा। जैसे आप उस सेटिंग को चालू करेंगे ना, तो पूरा जो है गायब हो जाएगा ऑटोमेटिक, और आपका फोन जो है नए जैसा हो जाएगा। और जो भी आपने अपने रिश्तेदार को अपने दोस्त को मोबाइल फोन दिया है, अगर वो यूज करने के बाद आपको देता है, तो उस सेटिंग को बंद कर देंगे तो पुराने जैसा आपका मोबाइल फोन हो जाएगा जैसे आप यूज करते हैं। तो उस सेटिंग का नाम है गेस्ट। तो उसको कैसे चालू करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अभी जो मेरे मोबाइल फ़ोन में जो भी ऐप आप देख रहे हैं, ये सब मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है, और जैसे उस सेटिंग को मैं चालू करता हूँ तो जितने भी ऐप हैं ना, ये सब गायब हो जाएंगे, फ़ोन जो है नए जैसा हो जाएगा। तो कौन सा सेटिंग है, कहाँ पे आपको मिलेगा, तो आपको मोबाइल को ऊपर से ऐसे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आपको आदमी का एक लोगो देखने को मिलेगा, इसको क्लिक कर दीजिएगा। अब इसके बगल में, ओनर के बगल में आपको गेस्ट का ऑप्शन आएगा, इसको आप जैसे चालू करते हैं तो आपका फ़ोन नए जैसा हो जाएगा। आप बोलोगे कि मैं क्यों नहीं चालू कर रहा हूँ, तो अभी जो है ना मोबाइल फ़ोन का वीडियो का स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसके लिए इसको नहीं चालू करूँगा, नहीं तो चालू करूँगा तो बंद हो जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसको नहीं यहाँ से चालू करते हैं। अगर आपके फ़ोन में यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे मिलेगा। आपको फ़ोन का जो है ना सेटिंग ओपन करना है, और सर्च सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको गेस्ट लिखना है, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है, और यहाँ पर ऐड गेस्ट, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन मिलेगा गेस्ट ऑप्शन का। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्विच टू गेस्ट, यहाँ पे जैसे मैं चालू करूँगा तो फ़ोन जो है मेरा नए जैसा हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगर आप चालू कर देते हैं इस ऑप्शन को, तो फिर से आपको यू आर ओनर पे क्लिक करके आप पुराने जैसा आप अपने मोबाइल फ़ोन को कर सकते हैं।